हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लैट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। और दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि क्लैट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन में आराम से देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम का मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग जानेंगे साथ ही साथ कि किस विषय में कितना से कितना क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, क्लैट एग्ज़ाम का परीक्षा पैटर्न, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में आप लोगों को 28 से लेकर 32 तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 28 पूछा जाता है, कभी कभी 32 भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मैं कह दूं कि करंट अफेयर्स जीके जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, वहाँ से आप लोग का 32 से लेकर आप लोग का 35 तक का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि अंग्रेजी भाषा में आप लोग का 28 से लेकर 32 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स जीके यानी कि जनरल नॉलेज का आप लोग का 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों कह दूं कि कानूनी योग्यता के लिए आप लोगों का 35 से लेकर 39 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तार्किक तर्क का आप लोगों का 28 से लेकर 32 तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है कंप्रहेंशन, पैसेज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को मैं फिर से कह देता हूँ, कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव भाव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का सिलेबस, ठीक है। दोस्तों, मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद भारत की राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय कर संरचना, ठीक है, उसके बाद भारत में प्रमुख उद्योग, बैंकिंग और वित्त से जो है क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया। दोस्तों, क्लैट एग्ज़ाम की तैयारी अगर इसी चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कानूनी योग्यता आप लोग का पाठ्यक्रम यानी कि कानूनी योग्यता का सिलेबस, तो यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है कानूनी बुनियाद की बातें और शर्त और सुप्रीम कोर्ट की फैसले, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात करें कि तार्किक तर्क का पाठ्यक्रम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पर पहलियाँ, ठीक है, इससे क्वेश्चन कथन, निष्कर्ष और निष्कर्ष की व्यक्तियाँ, उसके बाद कारण और प्रभाव, तर्क, कथन, अनुमान दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से आप लोगों का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग मैथ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए मैथ में आप लोगों को संख्या ये पढ़ना होता है, उसके बाद HCF ये पढ़ना होता है, उसके बाद LCM पढ़ना होता है, ठीक है। अब लोगों को समझ में आ रहा है ना, संख्या जो है संख्या पढ़ना होता है, उसके बाद HCF, उसके बाद LCM, उसके बाद अंश का प्रतिशत, ठीक है, मैं सारा चीज़ कराऊँगा। समय और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात और अनुपात मतलब अनुपात से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, संख्या तो आप लोग बहुत ही जानते होंगे संख्या से क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर टेंथ जो मतलब टेंथ अगर आप लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं तो टेंथ से भी बहुत सारा क्वेश्चन गणित से पूछा जाता है, और थोड़ा मोड़ा इलेवेंथ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों को तैयारी से चैनल के माध्यम से और ट्वेल्थ से भी थोड़ा मोड़ा पूछा जाता है, ठीक है। और मैं कह दूँ कि फुल्ली तैयारी से चैनल के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ तैयारी कराया जाए तो मैं ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी चैनल के माध्यम से मैं हर प्रकार का कंटेंट आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों जो घंटी है घंटी को कीजिए ऑल पे प्रेस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।